नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। घबराओ नहीं रघु, हमने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली है और तुम्हारी बेटी का बयान भी ले लिया है। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है वो बच नहीं सकते। लेकिन वो बहुत अमीर आदमी के बेटे हैं। कानून की नजरों में अमीर गरीब सब बराबर है। अगर उन लोगों ने गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। रघु, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन एक आदमी और भी है जो हमेशा गरीबों की मदद करता रहता है। कौन है वो आदमी? राजेश्वर। रघु, उठो रघु, आज के बाद तुम किसी के सामने सर नहीं झुकाओगे, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि जब भी गरीब ने सर झुकाया अमीर ने उसको ठोकर मार दी, जब भी उसने हाथ जोड़े इन दौलत वालों ने उसके हाथ काट दिए। उठो रघु, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा। कौन थे वो लोग? इस शहर के सबसे अमीर और इज्जतदार खानदान के लड़के हैं। नाम? माफ कर दो। अभी नहीं, अभी छोड़ दो।
ये लो बाराना। हमने तुम्हें खबर भिजवाई थी कि ये स्टॉल हमें चाहिए। अपना स्टॉल हटाओ, जगह हमें दे दो। मैं अपनी रोजी की जगह बेचकर तुम्हें यहाँ जुए का अड्डा बनाने के लिए दूं? अगर बेचोगे नहीं तो हम छीन लेंगे। अरे ऐसे कैसे छीन लोगे भाई? अरे देखो भाई, ये तो तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती करना तो हमारा। बोलो, बेचते हो? नहीं 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 नहीं, तोड़ डालो सब कुछ। अरे सुनो तो सही, ये सब भगवान के लिए मेरे पापा को छोड़ दो। नमस्ते मालिक। कहाँ है वो? वो लोग अंदर। उस बाबा, बाबा तुम घबराओ मत बाबा, तुम घबराओ मत बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अभी आते होंगे। मालिक, इस बेचारे की एक टांग पहले से ही नहीं थी, दूसरी इन जालिमों ने तोड़ डाली। ये जुल्म कब तक होता रहेगा मालिक? तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा। माय गॉड। नर्स। यस डॉक्टर। इनको जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ, इनकी टांग काटनी पड़ेगी। जी नहीं, मेरे बाबा की टांग मत काटिए डॉक्टर साहब, मेरे बाबा की टांग मत काटिए। हम मजबूर हैं, इनकी टांग नहीं काटी गई तो जहर सारे शरीर में फैल जाएगा। डॉक्टर साहब जी, रामलाल की टांग नहीं काटी जाएगी, ना ही उसके जिस्म में जहर फैलेगा। फौरन डॉक्टर गुप्ता को बुलाया जाए। डॉक्टर गुप्ता? वो तो यहाँ के डीन है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनसे कहिए राजेश्वर ने बुलाया है। करीम। मालिक। कौन थे वो लोग? लोगों के आदमी थे। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है लोबो? ये राजेश्वर की अदालत और कानून का इंसाफ नामा है। तुमने बेचारे रामलाल को अपाहज बना दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, उसे बेरोजगार कर दिया। हम तुम्हें जिंदगी से तो नहीं लेकिन इस होटल से निजात दिलाते हैं। क्या मिस्टर लोबो? आज से ये होटल रामलाल का है। मगर मैं सुना है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो तुम लोगों की उंगली तोड़ देते हो।
और हम लोगों के हाथ तोड़ देते हैं। दस्तखत कर दो। आलिया, धंधा बहुत मुनाफे का है। राजेश्वर का लाखों का माल हाथ लगेगा। माल कहाँ उतरेगा? ये राजेश्वर का एक आदमी जानता है। कहाँ है वो? डार्लिंग। हाँ? तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा बिजनेस की बात करके आता हूं। राजेश्वर की रियासत का एक वफादार कुत्ता। बताओ, राजेश्वर के जहाज का माल कहाँ उतरने वाला है? मुझे मुझे नहीं मालूम। शेर के पिंजरे में घुसकर कुत्ते को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताओ। कह दिया ना, नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो भी अपने मालिक से बेमानी कभी नहीं करता। चल एंथनी, जल्दी यहां माल रख। ओ शंकर के बच्चे, जल्दी लाओ ऊपर माल। चल एंथनी, बाहर जा तू। अरे इतना माल भरना, जल्दी करो। राजेश्वर से कहना कि माल कालिया लेके आए। रामलाल की दुकान खुलवा दी मालिक? हाँ, रामलाल की दुकान तो खुल गई है कहीं मियां, लेकिन इस दुनिया में रामलाल जैसे कितने अपाहज और गरीब लोग हैं जिन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुल्म हो रहा होगा। हम कब तक अकेले जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे? किस किस को उसका हक दिलाते रहेंगे? मालिक, ये सुबह शाम गरीबों की दुआएं ही तो हैं जो आपको हर मुसीबत से बचाए रखती हैं। गरीबों की दुआओं से तो आज तक हम जिंदा हैं, वरना ये जहर हम इतना पी चुके हैं, अगर दवाओं के भरोसे रहते तो हम कब के इस दुनिया से जा चुके होते। अल्लाह ना करे, ऐसा ना कहिए। मालिक, एक बात कहूं? कहो करीम मियां। वो कालिया कुछ हंसे बरता जा रहा है। इस बार उसने हमारे 5 ट्रक माल समेत गायब कर दिए। तुम क्यों घबरा रहे हो? दांत का डॉक्टर अगर दांत लगाना जानता है तो वो दांत निकालना भी जानता है। तुम जाओ, मेरे कपड़े तैयार करो। जी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहा हूं। मुन्नी बाई के कोठे पर? जानते हो तो पूछने की क्या जरूरत है। मालिक, आप कब तक ये किराए के बाजारी फूल सूंघते रहेंगे? क्यों नहीं किसी शरीफ खानदान की लड़की से शादी करके? करीम मियां, खुदा के लिए ऐसी बात मत करो। ना घर बार की, ना किसी शरीफ घराने की, और ना ही शादी की। तुम अच्छी तरह जानते हो अपनी हसरतों से हम लड़ नहीं सकते। दुनिया वालों से हम लड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं। शाम में शराब की बोतल में गर्क हो जाती हूँ, रात होते ही किसी तौफ के पहलू में गिर जाते हैं, और इसी अंदाज में किसी दिन जिंदगी की जाकर से लड़ खड़ा कर मौत के आगोश में चले जाएंगे। ये सब बातें मत करो,
ये पुरानी यादें दिल के बारूद में चिंगारी की तरह लगती हैं। जा बुरे मियां, जा। जी मालिक। खबर है कि 5 साल बाद श्री एसएम दयाल भारत लौटे हैं। देश की बढ़ती बेकारी सुलझाने और देश की उन्नत के लिए श्री दयाल कई नई योजनाएं साथ लाए हैं। हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान श्री दयाल ने अपनी योजनाओं की एक हल्की रूपरेखा बताई। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे बहुत जल्द अपनी योजनाओं को पूरा करने में जुट जाएंगे। उनसे देश को और समाज को बड़ी आशाएं हैं, खासकर ऐसे मौके पर जबकि देश में ऐसे जनसेवकों की बड़ी आवश्यकता है। ये क्या बदतमीजी है? ऊंची सोसाइटी में खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ना तमीज समझा जाता है। सीधी तरह मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बस तुम शाम से मिलना बंद कर दो। हमारे बीच में आने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी का सब कुछ हूँ, और शाम मेरी जिंदगी का वो कांटा है जिसकी जहरीली नोक मेरे प्यार को जख्मी कर देना चाहती। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आइंदा कभी तुम्हारा हाथ गीता की तरफ बढ़ा तो ये हाथ काट के रख दूंगा। चले जाओ यहां से। मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। और तुम भी सुन लो गीता, दयाल ने जिसे एक बार चाहा है उसे हासिल किया है। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मां कसम और किसी की भी ना हो सकोगी। हरामजादे, हट जा गीता। और छोड़ दो मुझे, चला जा नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जा, चला जा। खून कौन किसका पीता है ये तुम्हें वक्त बताएगा। श्याम साहब इसके मुंह मत लगिए, ये आदमी बहुत खतरनाक है। ऐसे बहुत से आदमी देखे मैंने। कौन था ये बदतमीज, तुम जानती हो इसे? दयाल एक सहेली की पार्टी में मिल गया था, उसके बाद घर में आने जाने लगा तो पता नहीं क्या समझ बैठा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक पक्षी, देखो आज के बाद तुमको छूना तो एक तरफ, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जानती हो क्यों? कल हम शादी कर रहे हैं। सच? हाँ सच। गीता करीम। जी मालिक। फौरन अपने आदमियों को तलब किया जाए। हमारी जिंदगी का वो अहम दिन जिसका हमें मदद से इंतजार था आ गया है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। Thank you.
श्याम, गंदी सूरत और नीच सीरत होने के बावजूद तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। तुम्हें हमारा नाम तक याद है, फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि हमें तुमसे पुराने हिसाब चुकाने हैं। वो गहरे जख्म जो तूने दिए हैं दयाल, हम भर तो नहीं सकते लेकिन तुम्हारे खून से धोएंगे जरूर। नहीं श्याम, नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, यहाँ की जनता, इस देश को मेरी जरूरत है श्याम, मुझे मत मारो। हमें भी किसी की जरूरत थी, हम भी अपना घर बसाना चाहते थे लेकिन तुमने वो घर बसने से पहले ही बर्बाद कर दिया। दयाल, तकदीर एक तराजू है जिसका पलड़ा कभी इस तरफ झुकता है तो कभी दूसरी तरफ। कल तुम्हारा पलड़ा भारी था, आज हमारा पलड़ा भारी है। तुमने तो हमें मौका भी नहीं दिया लेकिन हम तुम्हें मौका जरूर देंगे। तुम्हें हासिल करने की खुशी में हमने एक जश्न का इंतजाम किया है और उस जश्न में तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होगा। इनमें दो रिवॉल्वर हैं, हर रिवॉल्वर के साथ एक गोली है और ये गोली जिंदगी की ढाल भी बन सकती है और तलवार भी। एक हमारे लिए और एक जश्न के खत्म होते ही जो पहला वार करेगा वही जिएगा। Thank you.
श्याम, नहीं मुझे मत मारो श्याम, मुझ पर रहम करो श्याम। नहीं श्याम, मत मारो मुझे श्याम, मत मारो। राजेश्वर राजेश्वर राजेश्वर, आखिरी आदमी है क्या? इसकी जो जी में आता है सो करता है, इसे को रोकने वाला ही नहीं। कहीं लाश पाई जाती है, कई अमीरों के लड़कों के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, रातों रात होटल की मलकियत बन जाती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर वो इतना चालाक आदमी है कि आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमारे बिछाए हुए हर जाल को बड़ी आसानी से तोड़ के निकल जाता है और पीछे अपने कदमों के निशान मिटाता जाता है। तो कुछ दिनों के लिए उन कदमों को जेल में बंद कर, निशान खुद ब खुद मिल जाए। मालिक, पुलिस कमिश्नर साहब ने आपको बुलवाया है। मेरे सवालों का क्या जवाब है तुम्हारे पास? एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर गोयल, सर ये हमारे वकील हैं, आपके सवालों का जवाब ये लोग दे सकते हैं, क्योंकि कानून के बारे में या आप जानते हैं या ये जानते हैं, हम तो इस बारे में बिल्कुल सीधे साधे हैं, कुछ नहीं जानते। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मेरी समझ में राजेश्वर के इस केस को हैंडल करने के लिए एक ही काबिल अफसर है। वो कौन सर? दिल्ली पुलिस का ASP कमल। What? सर, अभी अभी कुछ लोग जौहरी धर्मदास की दुकान से 10 लाख के जेवर लूट कर ले गए हैं। तो मेरा इंतजार करो। खबरदार, कम इन।
सर, आपने मुझे बुलाया? आओ कमल। शाबाश कमल, तुम वाकई दाद के काबिल। इतनी कम उम्र में ये मेडल हासिल करके तुमने हमारे डिपार्टमेंट का नाम बहुत रोशन किया। सर, ये सब आपकी दुआ और मेहनत का फल है। लेकिन कमल, ये हमारी बदकिस्मती है कि अब हम तुम्हारे कारनामे में सिर्फ सुना करें, देखने का शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए कि अब तुम्हारा तबादला बॉम्बे हो रहा है। बम्बई सर? हाँ कमल, वहाँ के डिपार्टमेंट से खास रिक्वेस्ट आई कि ये केस को सुलझाने के लिए एएसपी कमल को बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जहाँ भी जाओगे इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है, आज आरती क्यों उतारी जा रही है? मेरे सुहाग की सलामती के लिए। मेरे पति ने सारे देश में नाम कमाया है, बहादुरी का मेडल पाया है। डरती हूँ कहीं किसी की नजर न लग जाए। नजर? अरे हाँ, एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर ने मुझे बताया था कि नजर उतारने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते वही किया करो, नजर कभी नहीं लगे। क्या? आंखें बंद करो। क्यों? उस फकीर ने कहा था कि नजर हमेशा आंख बंद करके ही उतारी जाती है। जल्दी से आंखें बंद करो। क्या करते हो? नजर उतार रहा हूँ। दरवाजा खुला है, कोई देख लेता तो? हाँ हाँ, दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद करके आ रहे। बिल्कुल नहीं। नहीं? फिर ऐसे ही ठीक है। अरे कमाल है, ये पुलिस की नौकरी भी कोई नौकरी है? बाहर जाओ तो लोग डर के दूर भागते हैं, घर आओ तो पी भी दूर भागती है। करूं तो क्या करूं? खैर, यहाँ तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लाया। क्या? आओ बैठो तो सही। वादा करते हैं इस बार हम नजर नहीं उतारेंगे। आओ बैठो, आओ ना। That's good. Please, समझौता। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। नहीं तो मैं क्या बताने वाला था? अरे अभी अभी तो तुमने कहा। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा, ऑफ कोर्स मैंने कहा। मैंने क्या कहा? मैंने 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 तुम मारोगे तो नहीं? कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं, गड़बड़ है क्या? थोड़ी गड़बड़ है और थोड़ी गड़बड़ नहीं भी है। क्या मतलब? बात दरअसल ये है कि अब कमल, हाँ, तुम्हारी बदली हो गई। अरे वाह, कैसे समझ गई तुम? कमाल है। अरे अभी तो 5 साल हुए दिल्ली आके, अभी अभी तो मुश्किल से कुछ जान पहचान हुई, कुछ अब फिर नई जगह। अरे हम तो पुराने हैं ना। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, आचार बनाऊं? नहीं, लॉलीपॉप। कमल तुम जानते हो पिछले टाइम बदली में इतना सारा फर्नीचर, इतनी सारी क्रोकरी। कमल कमल तुम, ओह नो। अरे भैया, बंद क्यों कर दिया? सुबह शाम म्यूजिक सुन सुन कर तुम थकते नहीं? म्यूजिक? कौन सा म्यूजिक? आप समझते हैं मैं इसे म्यूजिक समझ के बजाती हूँ? पैने जी, फिर क्या समझ कर बजाती हैं आप? एक्सरसाइज, कसरत। फैंटास्टिक, हम खुश हुए। एक काम कीजिए, अभी एक्सरसाइज बंद कीजिए और फौरन पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। पैकिंग? जी हाँ। क्यों? हमारा तबादला हो गया। कहाँ? सुनोगी तो खुशी से नाच उठोगी। बताओ ना भैया। बॉम्बे। बॉम्बे?
भैया, I'm so excited. हम लोग कब जा रहे हैं? You're so great, भैया. बहुत जल्दी जा रहे हैं, मगर तुम्हारी भाभी जो है ना वो. Congratulations, भैया. Oh, thank you. मैं तो भूल ही गई थी. भगवान करे मेरे भैया को इतने मेडल्स मिले कि वर्दी पे मेडल लगाने की जगह ना बचे. बाकी के मेडल मैं लगा लूंगी. एक बात बताओ भैया. बोलो. क्या ये मेडल आपको सचमुच बहादुरी के लिए मिला है? किसी को बोलना मत. नहीं, बाजार से खरीदा है. सच? हाँ, और नहीं तो क्या. ये लो कमल, इस फाइल में तुम्हें राजेश्वर के खिलाफ लगाए हुए तमाम इल्जामात डिटेल्स में मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि तुम राजेश्वर को सबूत के साथ गिरफ्तार करके अपनी वर्दी, अपना फर्ज और अपने कानून की इज्जत को बरकरार रखोगे. मैं वादा करता हूं सर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. मास्टर तुम्हें इम्तिहान देने से नहीं रोक. लेकिन तेरी फीस? तू मेरी फिक्र मत कर, ये ले जा, जा ना. श्याम, क्या इस बार फिर तू मेरे लिए एग्जाम नहीं देगा? देख यार, तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बन जा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा एग्जाम है. पटेल. यस सर. राजेश्वर इस वक्त कहाँ होगा? ओबराय होटल में होगा सर. तुम्हें कैसे मालूम? सर, हमारे आदमी 24 घंटे इस पे नजर रखते हैं, और इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम इसके किसी आदमी की शादी ओबराय होटल में है, और राजेश्वर अक्सर ऐसे मौके पर आकर अपने आदमी की मदद किया करता है. शादी मुबारक. बॉम्बे की पुलिस वालों ने मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें दिल्ली से यहां बुलवा ही लिया. तुम्हें कैसे मालूम? अरे ये खेल तो चलता आ रहा है, पुलिस वाले हम पे नजर रखते हैं, हम पुलिस पे नजर रखते हैं. श्याम, ये तुम कैसा दिन ले आया कमल की जिंदगी में? कमल ने अपनी जिंदगी में सिर्फ चंद चीजों से दोस्ती की है, अपनी गरीबी से, पढ़ाई से, अपने फर्ज से और श्याम से, और इनमें से किसी ने भी कमल का इतना सख्त इम्तिहान नहीं लिया जितना कि श्याम ले रहा है. तो उससे बिछड़े बरसों हो गए, और आज जब मिलने का मौका भी मिला तो पुलिस और मुजरिम की हैसियत से. क्या करें दोस्त, कभी इंसान से गलत कदम उठ जाता है, और वो कदम उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, कितनी दूर पहुंचा देता है, सारी दुनिया से, समाज से, कानून से, अपनों से, अपने दोस्तों से, सबसे संबंध टूट जाते हैं. इसका अंजाम कभी सोचा है तुमने? जिस दिन ये कदम उठाया था कमल, उसी दिन अंजाम भी सोच लिया था.
और वो अंजाम मेरे ही हाथों पूरा करना था। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी? तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाओगे और कानून तुम्हारे सीने पर मेडल लगाएगा। लेकिन इस काबिल तुम्ही ने तो मुझे बनाया है दोस्त। उस रोज अगर तुमने मेरी फीस ना दी होती तो मैं एग्जाम में ना बैठता और ना ही मैं पास होता और ना ही मैं कानून की वर्दी पहनने के काबिल कभी बन पाता। ये सब तुम्हारी तो देन है। तो वचन दो दोस्त कि अपने इस दोस्त की देन का मान रखोगे, कभी अपनी वर्दी पर, अपने फर्ज पर बदनामी का दाग नहीं लगने दोगे। मैं वचन देता हूं। करीम जी, आज बरसों बाद पुरानी यादों को ताजा करने का मौका है। कैसा मौका मालिक? कमल और हम अपने जन्मदिन की दो पार्टियां मनाते हैं। कमल का जन्मदिन एक दिन पहले आता है और हमारा एक दिन बाद। आज बरसों बाद हमारा यार, हमारा जिगरी दोस्त लौट आया है और परसों उसका जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर हम उसे खास तोहफा देंगे। खास तोहफा? हाँ। वो क्या? कालिया। हम कालिया उसे तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। लिए तेरे रिवॉल्वर की छह की छह गोलियां खत्म हो चुकी हैं और तुझ जैसी नन्ही सी जान के लिए मेरी इस रिवॉल्वर की सिर्फ एक गोली काफी है। जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना ये तेरी जिंदगी की आखिरी चालाकी होगी और वो भी नाकामयाब। यू आर अंडर अरेस्ट। शाबाश कमल, तुमने आते ही अपनी रवायत को बरकरार रखा, मुझे खुशी है। इस कमबख्त कालिया ने पुलिस को बहुत दिनों से परेशान कर रखा था और मुझे यकीन है कि तुमने जिस तरह कालिया को गिरफ्तार किया है उसी तरह एक दिन राजेश्वर को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दोगे। तुम सच कह रहे हो लोबो? हाँ कालिया, राजेश्वर और कमल दोनों दोस्त हैं और राजेश्वर ने तोहफे के तौर पर तुम्हें कमल को दिया है। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब और भाई वाह, क्या तोहफा है? मिलियंस। किसने भेजा? देखे तोहफा मेरा है और ले ये रहे। जन्मदिन मुबारक हो। एक दोस्त, एक नौजवान पुलिस वाले का दोस्त, भाई कुछ गड़बड़ है। शशि, बम्बई में तुम्हारा कोई दुश्मन पैदा हो गया है? मेरा मतलब है पैदा हो गई है। अंकल सिन्हा, आप जज के अहदे से तो रिटायर हो गए मगर एक बात से दूसरी बात निकालना इससे रिटायर नहीं हुए। रिटायर हो जाऊं? बिल्कुल हो जाऊं। हाँ हाँ हो जाइए। इधर आओ। एक्सक्यूज। ओह या, गो अहेड। वही पुरानी आदत, शशि को कोई फिल्मी गाना गाने के लिए जिद कर रहे होंगे। साहब आपका फोन। जी साहब। थोड़ा ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी। हेलो कमल। कौन? श्याम। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। कहो यार, के तोहफे पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए, दोनों पसंद आए।
क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, छोटी मोटी पार्टी चल रही है। अरे बड़ी गहमा गहमी है लगता है, और यार दोस्त आए हुए हैं? नहीं यार, वो बस ये शशि को ये लोग गाने के लिए जिद कर रहे हैं। कितना खुशकिस्मत है मेरा यार, क्या खूबसूरत माहौल हो गया इस वक्त घर का, बीवी बहन यार दोस्त। कमल मैं दिल से दुआ करता हूँ यार कि तेरा घर हमेशा खुशी से भरा रहे। कमल क्या मैं भाभी का गाना सुन सकता हूँ? अरे घबराओ मत यार, मैं वहां नहीं आ रहा हूं। तू एक काम कर, टेलीफोन का रिसीवर किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां से मैं भाभी की आवाज आसानी से सुन सकूं। हाँ क्यों नहीं। कमल सो गया क्या? नहीं, खो गया था। जिंदगी की किताब के पुराने पन्ने खुल गए थे, उन्हीं पन्नों की धुंधली यादों में खो गया था।
कमल, आज आज मुद्दत के बाद शाम बहुत खूबसूरत गुजरी। ये लम्हे, शुक्रिया कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। सालगिरह मुबारक हो मालिक, अल्लाह ताला आपको हजार साल की उम्र अता करे। बद्दुआ दे रहे हो क्रीमिया, जिंदगी के यही दिन गुजारने मुश्किल हैं। हजार साल कौन कम वक्त जिएगा मालिक। हर साल आपकी सालगिरह पर जो यतीमों और गरीबों को खैरात बांटी जाती है वो भिजवा दूं? फौरन भिजवा दो, वही तो हमारे रिश्तेदार हैं। उनका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेचारे रोटी के लिए भूखे हैं और हम प्यार के लिए। क्रीमिया, वो मेहमानों के लिए सब इंतजाम हो गया ना? जी। मालिक, आपका फोन। हेलो, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शोरगुल सुनाई दे रहा है, काफी बड़े बड़े लोग आए होंगे वहां? नहीं? हाँ, काफी बड़े बड़े लोग आए हैं, इतने बड़े कि उनकी बड़ाई बयान नहीं की जा सकती। एनीवे, Happy birthday once again. Thank you, darling. Thank you very much. मालिक, मुन्नी भाई की क्षमा आज नहीं आएगी। क्यों? मक्खन सेठ ज्यादा माल देकर उसे अपने यहां ले गया है। मक्खन, ये रही क्षमा। आप लोग इसके नाच और गाने से दिल बहलाओ, बाद में हम इसके हुस्न से अपना दिल बहलाएंगे। मान गए मक्खन सेठ, उस साले को अच्छा सबक। तुम अंदर कैसे आए? ये मुन्नी बाई का कोठा नहीं है, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से। मुन्नी बाई का कोठा इस घर से ज्यादा ऊंचा है। शमा एक ही महफिल की जीनत बन सकती है, और वो महफिल है राजेश्वर की। शमा, हमारे साथ आओ। शमा नहीं जाएगी। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? दौलत आ जाने से अक्ल नहीं आ जाती। पुलिस को बुलाकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो? हम तो बदनामी जमाना है, हमारी बदनामी के समंदर में एक गिलास पानी और घुल जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम इज्जतदार लोगों की इन काली करतूतों का जब तुम्हारी इज्जतदार सोसाइटी को पता चलेगा तो तुम सबका क्या होगा, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है, मक्खन। ठंडे लोगों में रहा करो, तब ये ठीक रहेगी। आग से खेलोगे, पिघल जाओगे। शमा, ये तो हमारी बेइज्जती है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है मक्खन। चलो चलो, ये लोग चलते हैं। शमा का काम है महफिल में जलना। हमारी महफिल में शमा खुद जलती है, जलाई नहीं जाती। मैं राजेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ, राजेश्वर इतना खतरनाक आदमी है कि मौत भी उसे घबराती है। हम उसकी मौत से दोस्ती कर लेंगे। हमारा नाम भी माखन है। हम उसकी राह अपनी चिकनाहट से इतनी चिकनी कर देंगे कि वो हर कदम पे फिसलता ही रहेगा। दादी, मैं लुट गई।
मेरी बेटी बर्बाद हो गई। सरकार, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सरकार। घबराओ नहीं मुन्नी भाई, घबराओ नहीं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर शमा की कीमत दे चुका है। मैं शमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती शमा को उठाकर ले गया नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी भाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता, मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी भाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी, 7 लाख के लिए मुन्नी भाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है, मान ला और खरीद ला जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए, उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वैसी तरीके की तरह नोच डाला, मार मार कर इसे अस्मरा कर दिया है। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि शमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। कौन? कमल, खड़ा रहा अंदर आ। क्या बात है, क्या हुआ? आज तेरे चेहरे का अंदाज कुछ बदला हुआ है, खैरियत तो है? खैरियत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करते, हम तो हमेशा तुम्हारी खैरियत की दुआ करते हैं यार। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मजाक खुशी को तलाक दिए हुए तो बरस हो गए हैं। राजेश, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ लाया। कमल, तुम पहले पुलिस ऑफिसर हो जिसने राजेश्वर की चौखट पर खड़े होकर वारंट की धमकी देकर उसे गिरफ्तार करने की बात की है। मैं धमकी नहीं दे रहा, वाकई तुम्हें गिरफ्तार करने आया। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में भाई? एक लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म में। लड़की की इज्जत लूटने के जुर्म? तुम शमा नाम की एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाकर यहाँ लाए और उसके साथ तुमने जबरदस्ती रेप। रेप? कौन कहता है? लोग कहते हैं, शमा कहती है। लोग झूठ बोलते हैं, शमा बकवास करती है। कमल, मैं इसी वक्त शमा से मिलना चाहूंगा। बहुत देर होगी राजेश, तुम्हारा और शमा का सामना होगा तो सिर्फ अदालत में।
वकीलों के सामने जज की मौजूदगी में। तुम जाओ यहां से, चले जाओ। तुम नहीं जानते तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते की परवाह करके कमल आज यहां से चला गया तो दुनिया में दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो मैं अपनी वर्दी उतार कर इस ओहदे से इस्तीफा दे दूं, या फिर तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाऊं। फैसला करना तुम्हारे हाथ में है दोस्त। ठीक है, तुम्हारी इज्जत की खातिर, दोस्ती के मान के लिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर कानून ने मेरे साथ ना इंसाफी की उसके जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ करेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं अपने आप को कानून के नहीं बल्कि तुम्हारे वादे के हवाले करता हूं, इस यकीन के साथ कि तुम अपने वादे का पा सकोगे। दुश्मनों के चेहरों पर रौनक आ गई है मालिक, आपकी गिरफ्तारी की खुशी में शराब पानी की तरह बहाई जा रही है। अगर आपका हुक्म हो तो शराब की जगह उनके यहां खून की नदियां बहा दें। नहीं करीम मियां, अभी इसके लिए वक्त है। वक्त का इंतजार मत कीजिए मालिक, अगर आप कहें तो एसपी कमल को भी रास्ते पे। करीम मियां, आइंदा ये लफ्ज अपनी जबान पर कभी नहीं लाना। कमल के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर कभी कमल पे गोली चली भी तो हम उसे अपने सीने पे ले लेंगे। कमल को खराश तक नहीं आने देंगे। मैं जानती हूं इनकी परेशानी क्या है। ये कई दिन से सोए नहीं है, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। इनको न खाने का होश है न खुद का, और इन सब परेशानियों का जिम्मेदार है वो राजेश्वर। भगवान करे वो राजेश्वर। शशि, क्यों न उसे बतवा दूं? उसने मेरे घर का सुकून चैन लूट लिया है, मेरे पति की खुशियां छीन ली है, और ये मैं नहीं बता। कमल, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसका ख्याल अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देते? वो खतरनाक आदमी है, मुजरिम है, कानून का दुश्मन है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा दोस्त। मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोग बना रहते हैं उसे। वक्त का तूफान इंसान को जुर्म की दलदल में फंसा देता है, वही राजेश्वर के साथ हुआ है। राजेश्वर, 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 मैं उस आदमी को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम फिर से उसी राजेश्वर को बीच में लाते हो। हाँ, मैं राजेश्वर को बीच में लाता हूँ और हमेशा लाता रहूंगा। मैं जिंदगी भर राजेश्वर को नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। शशि, मेरा रोम रोम राजेश्वर के एहसानों का कर्जदार है। आज कमल की सोसाइटी समाज में जो इज्जत है, उस इज्जत की पेड़ को राजेश्वर ने सींचा है। मेरे कॉलेज के दिनों में उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से मेरी फीस भरी, खुद भूखा रहता लेकिन मेरे लिए किताबें खरीद कर लाता। मैंने इम्तिहान दे दिया और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि फीस भरने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई। उसने मुझे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे रह गया। कमल एक पुलिस ऑफिसर बन गया, उसने मुझे वर्दी तो पहना दी मगर वक्त ने उसे मुजरिम का लिबास पहना दिया। अगर उस दिन राजेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी ना की होती तो हो सकता है शशि आज राजेश्वर कमल की जगह होता और कमल मुजरिम बनकर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कभी भूल कर भी राजेश के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना।
से अकेले मत खड़े रहना प्लीज। कमल मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जिंदगी के हर कदम पर तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। अगर दुख का मौका आए भी तो तुम्हें दुख का एहसास न होने दूं, लेकिन आजकल तुम खोए खोए से रहते हो। मैं तुम्हें जितना करीब लाना चाहती हूँ उतने ही तुम दूर चले जा रहे हो। कमल मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं और सुधा अकेले तो नहीं रह जाएंगे। तुम्हारी कसम शशि, सारी उलझने बस सिर्फ इस केस तक ही है। एक बार ये केस खत्म, सारी उलझने खत्म। मुन्नी बाई वल्धीरा चंद हाजिर हो। सरकार पूरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी घबराता है, मगर मैं खामोश रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा। आधी रात गुजर चुकी थी, हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गए थे कि अचानक ये शख्स राजेश्वर शराब के नशे में धुत हमारे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया और कहने लगा क्षमा कहाँ है। मैंने कहा सास आधी रात गुजर चुकी है, हम भी तो इंसान हैं, हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। और कुछ कहे सुने बगैर शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, मेरी क्षमा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। मैंने उसे लाख मना किया, उसके हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे ठोकर मार कर गिरा दिया, मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मैं लुट गई सरकार, मैं लुट गई। रात काफी गुजर चुकी थी, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में हमने गाड़ी पान खाने के लिए रोकी, जैसे ही हम पान की दुकान पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमने क्या देखा कि ये शख्स नशे में धुत अपने कांधे पे एक लड़की को जबरदस्ती लिए जा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी हाँ जरूर बता सकते हैं। मैं घबरा कर चीख चीख कर आप खड़ी हो चुकी थी। उसी हालत में मुझे आदमी अपने घर ले गया, घर ले जाकर उसने मुझे पटक दिया, मुझे मारा और मेरे साथ क्या किया तुम्हारे साथ बोलो। मुझे इस वैशी दरिंदे ने बेइज्जत कर दिया और मैं इज्जत लूट ली। जज साहब ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। ये मालिक अब क्या कहना है आपको, कुछ जवाब है आपके पास? सबकी जबानें बिक चुकी हैं, सबकी जेबें भर दी गई, इसीलिए मुंह से खरीदे हुए अल्फाज निकल रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है करिए, हमें कमल पे पूरा भरोसा है। वो भी बिक चुका है मालिक, वो भी बिक चुका है। नहीं कमल कभी नहीं बिक सकता। पूछिए अपने दिल से आपकी बेगुनाही का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसने। आज मैं उनसे मिलने गया था, मिलने से इनकार कर दिया। जब उनकी तरफ देखता हूं तो नजरें चुरा लेते हैं, नजरें वही चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। तुम सच कह रहे हो? बरसों से आपका नमक खा रहा हूं मालिक, झूठ नहीं। गवाहों के बयान, डॉक्टर की रिपोर्ट
और दूसरे सबूत जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटी यानी बलात्कार किया। इसलिए ये अदालत मुलजिम राजेश्वर को जेर दफा 376 ताजीरात हिंद के तहत 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है। नजरें मुचराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। श्याम, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती, ये सब दिखावा है, फरेब है। दौलत की छुरी की धार बहुत तेज होती है। ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथों सच्चाई और कानून का खून करवा सकती है, दोस्त के हाथों दोस्ती का खून करवा सकती है, जैसे आज हो गया। नहीं शाम, नहीं। कमल अपनी जिंदगी को मौत के हाथों बेच सकता है, मगर अपना फर्ज, अपनी वर्दी, अपनी दोस्ती को रिश्वत के गंदे हाथों दागदार नहीं होने दे सकता। यही ढोंग और मक्कारी करके तुम सारी जिंदगी दुनिया के सामने ईमानदारी और वफादारी का खेल खेलते रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है, जो जुर्म और पाप की गंदगी में डूब चुकी है। अपने गुनाहों पर अल्फाज के पर्दे डालने की कोशिश मत करो कमल। पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे झूठे लोगों को। तुम्हारा यह तंज, तुम्हारा यह इल्जाम एक खिसियानी बिल्ली की तरह है जो अपने दोस्ती के नाखून से कानून के खंभों को खरोचना चाहती है। हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे शाम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। ठीक है एसपी साहब, आज जिस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और बिकने वाले दोस्तों के बीच में बिस्तर रह गए हैं, 7 साल बाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रख देंगे कि ना तुम जी सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। समझ गए? आज का दिन, आज की तारीख, आज का साल याद रखना। Thank you.
साहब, देसाई साहब को मौका मिलने के देर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। तो जनाब आज के जमाने में देसाई साहब की बात सुनता कौन है? और अरे सुनो, सुधा कहाँ? सुधा आती होगी। अरे कोई तरीका? अरे कमल भाई जल्दी से केक काटो, वरना तुम्हारे काटने से पहले अगर मेरी नीयत खराब होगी तो मैं दांत से काट लूंगा। दांत अभी तक असली हैं आप? बिल्कुल। एक काम किए, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आती होगी सुधा, फिर काट लो। वो आ गई। हाय सुधा, इतनी देर कहाँ लगा दी? इसके लिए हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू, बहुत भारी है। भाभी एक मिनट जरा पकड़ो। बोलो भैया, आज शाम से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन? वो तो मैं जानती नहीं, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वो दूर खड़ा मुझे घूरता रहता है। उसे देख के तो मेरे हाथ पांव कांप जाते हैं। हम खुश हुए? हाँ? मेरा मतलब कि हम ना खुश हुए। एक पुलिस ऑफिसर की बहन होकर तुम एक मामूली से आदमी से डर गई? हाँ? भाई वाह, क्या गुलदस्ता है, गुलदस्ता है क्या गुलिस्तान है? अरे वाह, इसमें तो भेजने वाले का नाम ही नहीं है। कैसा दोस्त है जो उसने, वेट अ मिनट, ऐसा गुलदस्ता तो कुछ साल पहले भी आ चुका है। ये फूल किसने भेजा? साफ दाढ़ी वाला एक आदमी लेकर आया। दाढ़ी वाला? कब? अभी थोड़ी देर हुई। मैं जानता था मेरे भेजे हुए फूल तुम्हें बाहर जरूर ले आएंगे। तुम जेल से कब छूटे श्याम? अरे अच्छे पुलिस ऑफिसर, लोगों को जेल तो भेज देते हो लेकिन ये भूल जाते हो कि जेल से कोई छूट कर कब आएगा। देखो श्याम, तुम मुझे गलत मत समझो। कमल, तेरी बहन को देखा है यार, बड़ी हो गई है और माशाल्लाह अब तो काफी खूबसूरत निकल आई है। क्यों, चलाओ हाथ, रुक क्यों गए, चलाओ। ये तो पुलिस वालों के हाथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, किसी की तकदीर के सितारे तोड़कर अपनी वर्दी पर लगाकर एएसपी से एसपी बना सकते हैं। श्याम तुम्हें यहां से चले जाओ। श्याम जा रहा हूं एसपी साहब, जा रहा हूं। याद होगा जेल जाते वक्त मैंने आपसे कुछ फरमाया था। अब मेरा मकसद क्या है तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। साल की रम मुबारक हो। आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और इसे कैसे लूटा जाता है। कमल, क्या बात है? कुछ नहीं, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। भैया, भैया, भैया। क्या हुआ? मुझे याद आ गया। क्या? वही आदमी जो मेरा पीछा करता रहता है। कौन? राजेश्वर। राजेश्वर जेल से छूट गया? हाँ। और तुम भूल गए जेल जाने से पहले उसने तुम्हें क्या धमकी दी थी? पुलिस वालों को तो लोग रोज धमकियां देते हैं, अगर इन धमकियों से डर जाए तो जीना मुश्किल है। अब मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन भाभी, मेरे कल चैरिटी प्रोग्राम का क्या होगा? आप और भैया भी तो कल आ रहे हैं वहां पे। Thank you.
लंबी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी, इससे भी छोटी पहन लेती। तुम्हारे तो ख्यालात बुढ़ापे के हो गए हैं बेगम। क्या? अरे बेगम मेरा बस चले, मैं तो तुमको बिल्कुल ड्रेस ही ना पहनाऊंगा। मेरा मतलब है कि इससे भी छोटी ड्रेस पहना। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूं भाई, मेरी ख्वाहिश आई फील लाइक खामखा चलती रहती है। Thank you.
प्लीज शांत हो जाओ। जल्दबाजी और गुस्से से कोई फायदा नहीं। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। सर आप नहीं जानते उसके मन में क्या है। वो शैतान मेरी बहन। कमल तुम कानून को जानने वाले आदमी हो, किसी के मन में क्या है इस बलबूते पर तुम कोई कदम नहीं उठा सकते। लेकिन सर मुझे बोलने तो पहले। उस आदमी ने तुम्हारी बहन से कुछ कहा, हाथ लगाया उसे या छेड़ा उसको, तो किस कानून के तहत तुम उस पर हाथ डालोगे? जब तक वो कुछ नहीं करता तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सोचते हैं ये बंगला अब तुम्हारे ही नाम कर दें। सच? बिल्कुल सच। कल ही अपने वकील से बात करता हूं, बाकी बात इसे भर कर बताता हूं। कौन है? राजेश्वर मक्खन, ये बात तो समझ में आती है कि तुमने मुन्नी बाई की जबान 7 लाख में खरीद कर हमारी आजादी छीन ली, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आज तुमने किसी की जिंदगी को मौत की नींद क्यों सुला दिया। मौत की नींद? मैंने? हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं। चलो अपनी आंखों से देख लो। आओ। हुँ। 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 किसने किया? तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। ये घर तुम्हारा है, ये बेडरूम तुम्हारा है, ये बिस्तर तुम्हारा है, तुम्हारी खरीदी हुई ये शमा जिसे तुमने बुझा दिया, इसके सीने में जो चाकू गड़ा हुआ है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। नहीं, नहीं, तुम मुझे फंसा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें फंसा रहा। तुमने भी हमें फंसाया था हमारे खिलाफ झूठी गवाही देकर, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्त पर लटकाएंगे। फांसी? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना। Thank you.
हम तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे, तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे, तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। नहीं कमल, लोगों के बयानात और छानबीन से साफ जाहिर है कि माखन लाल की मौत में किसी का हाथ नहीं, वो सिर्फ एक्सीडेंट से मरा है। जी नहीं सर, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा, उसमें राजेश्वर का ही हाथ है। ये तुम किस बिना पे कह सकते हो? चौकीदार का बयान है कि माखन लाल बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ले जा रहा था, हो सकता है गाड़ी काबू से बाहर हो गई और। इम्पॉसिबल सर, राजेश्वर बहुत ही तेज आदमी है, उसकी धौंस आदमियों को बेकाबू कर देती है और बेकाबू आदमी गाड़ी पे काबू नहीं रख सकता। सर माखनलाल तेजी से क्यों भागा, क्या हुआ था उसे, वो लड़की कौन है, कहां गई? करीम मियां, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, शमा को यहीं बंद रखो। जेल से रिहा होते ही राजेश्वर ने पहले वार में माखन सेठ को मरने पर मजबूर कर दिया, जरूर उसके दूसरे वार का निशाना होगी मुन्नी बाई। मंजुला बहन, बेटे की शादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जाके अंदर रहिए, मैं बाकी मेहमानों को देख कर आऊंगी। एसपी साहब, आप मुझे आपसे कुछ बातें करनी मुन्नी बाई। मेरा नाम मुन्नी बाई नहीं, मंजुला है, मेरे साथ आइए। राजेश्वर जेल से छूटकर आ गया है। राजेश्वर? मेरा ख्याल है कि सेठ माखनलाल के खून में भी उसी का हाथ है। अब क्या होगा एसपी साहब? घबराओ मत, मेरे आदमियों ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। उसे किसी भी तरह यहाँ आने से रोक लीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम से मुन्नी बाई का शब्द हटा दिया है, शरीफों के बीच अपने आप को शामिल कर लिया है। यहाँ मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसी वजह से मेरी बच्ची की शादी एक इज्जतदार घराने में हो रही है। अश्वी साहब, उसे रोक लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ आज की रात मेरी बेटी की शादी हो जाए। देखो, हमारे आदमी चारों तरफ तैनात है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। अगर फिर भी तुम चाहती हो तो मैं शादी पूरी हो जाने तक रुकने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू अश्वी साहब। हेलो, कौन? कमल साहब, वन मिनट। हेलो शशि, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ सुधा को? शशि, ओह माय गॉड, रामदीन? हाँ साहब। शशि सुधा कहाँ है? वो लोग तो दोपहर से कहीं बाहर चले गए साहब। भगवान मेरी रक्षा कर, मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। एक तौफ की आंख में आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में गुलाब के फूल की खुशबू, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। एक गिरगिट की चमड़ी भी इतने रंग नहीं बदलती जितने रंग तुमने बदले होंगे। मुबारक हो मुन्नी बाई, अब तो तुम मंजुला देवी बन गई हो। हाँ क्या बात, एक शरीफ इज्जतदार भोले भाले खानदान के लड़के से मुन्नी बाई अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू, अभी तो होने वाली है ना, फिर उन्हें बाकी है, अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू एक तवायफ की बेटी है। ऐसा मत करना, मेरी बेटी मासूम है, उसका घर मत उजाड़ना, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मत करना। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी, उस दिन कोर्ट में क्या धाड़े मार मार कर।
क्यों नहीं भाई, 7 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती, और उन 7 लाख के लिए तुमने हमें 7 साल के लिए जेल भेज दिया, और तुम्हें क्या मालूम था 7 साल यूं गुजर जाएंगे। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ, कानून के सामने ये कहने को तैयार हूँ कि मैंने झूठ कहा था। सिर्फ एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं मुन्नी भाई, नहीं, उन 7 साल का क्या होगा जो हमने जेल में गुजारे? वो 7 साल तो तुम वापस नहीं ला सकते। जब वो 7 साल वापस नहीं आ सकते, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। इतना जुल्म मत करिए, मत करिए इतना जुल्म, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मुझे मार डालिए, मगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, मत करिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम। अभी वहाँ पे तो, अरे कहाँ गई थी तुम लोग? हम लोग तो सिन्हा अंकल के यहाँ गए थे। तो मुझे फोन किसने करवाया था? फोन हमने नहीं तो हा? इसका मतलब तो कमल, Thank you.
अब ये हाथ बंधे नहीं है राजेश्वर, छूट चुके हैं, क्योंकि मैंने इस्तीफे की कैंची से कानून की रस्सी को काट डाला है। सब लोग एक जगह खाली कर दो। अब आज फैसला सिर्फ मेरे और इसके बीच है। आओ मेरे साथ। इस्तीफा, ये कागज का टुकड़ा इस्तीफा नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का परवाना है। तुम अपना दिमाग अपने होशो हवास खो बैठे हो और तुम्हारे जहन पर सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है। हाँ हाँ, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है सर। कमल, आई एम सॉरी सर, मगर ये मेरी बहन की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। कसम उस वर्दी की जिसे पहनकर मैं जिंदगी भर कानून और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा हूं। जब तक मैं राजेश्वर को, तुम क्या समझते हो सुधा सिर्फ तुम्हारी बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती। कमल, सुधा मेरी बेटी की तरह है और तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। पहले मैं भी समझता था कि माखन की मौत महज एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मुन्नी भाई के हादसे के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि इन दोनों केसेस के पीछे राजेश्वर का ही हाथ है। इससे पहले कि वो कोई तीसरी हरकत करे, मैं बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाने जा रहा हूं। राजेश्वर की फिक्र में शशि और सुधा दिन रात क्यों बेचैन रहे? क्यों ना मैं उन्हें ऐसी जगह भेज दूं जहां राजेश्वर का खौफ, राजेश्वर की फिक्र इन्हें परेशान ना करे। सिन्हा साहब के फार्म में तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहोगे। मगर तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा भैया। पगली, ये लो ये मेडल, तुम्हें भैया की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। रखो बस, और चलो जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ? अपना ख्याल रख। कमल, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जगह भी सुरक्षित है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। That's good. देखो मैं बहुत जल्द अपने सारे काम काज निपटा कर वहाँ पहुँचता हूँ। ओके? अपना ख्याल रखना। बाय बाय भैया। बाय। कमल, ये लो राजेश्वर की गिरफ्तारी का वारंट, उसे अभी इसी वक्त गिरफ्तार करना है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब ठीक ठाक है? यस सर, राजेश्वर पर हमारी कड़ी निगाह, वो अभी तक होटल के कमरे में ही। कमरा नंबर 416। कमल ही है। लाइटनिंग कॉल टू ऊटी। बर्बादी से प्यार करने वाले राजेश्वर बोल रहे हैं। अपनी जवान और खूबसूरत बहन की हिफाजत के लिए आदमियों को जो दीवार आपने खड़ी की थी उसे मैं तुम्हें डरिए मत, हमने उन्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया है। कमल, बदले की जंग शुरू हो चुकी है। जिंदगी के वो शर्मनाक 7 साल जो मैंने जेल में काटे हैं, उसे कहीं ज्यादा शर्मनाक और दहशत अंगेज सजा मैं तुम्हें दूंगा। जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दूंगा। मेरे पति से बदला लेना है ना, उसके खानदान से बदला लेना है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मुझसे बदला ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। सुधा को छोड़ दूं? जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूं, एक हिंदुस्तानी लड़की जब दुल्हन बनकर अपने पति के घर चली आती है तो दिल में इकरार कर लेती है कि उसके पति के लिए या उसके खानदान की इज्जत के लिए अगर उसको जान भी देनी पड़ जाए तो कभी इनकार नहीं करेगी। आज मुझे अपना धर्म निभाने का मौका मिला है। कमल की दुश्मनी का बदला मुझसे ले लो, लेकिन सुधा को छोड़ दो। प्लीज सुधा को छोड़ दो। नहीं, उसे छोड़ दो। मेरे जीते जी तुम्हारे नाम का तुझे नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ इसे, छोड़ दो और कहीं भी छोड़ दो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ दो। कुछ पता चला? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। कमल! वो सुधा को ले गया, वो सुधा को ले गया। मैंने सुधा को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैंने उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने अपने हाथ तक को हवाले। नहीं शशि, नहीं,
नहीं, राजेश्वर सुधा, सुधा मगर तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा भैया। ये भैया का मेडल अपने पास रखो, ये तुम्हें भैया की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। आज से तुम यही रहोगे। कालिया, मैं जानता हूं राजेश्वर कमल की बहन को लेकर कहां गया है। बड़ी मुश्किल से जगह का पता लगाया है। कहां है? समझ गया। कितना चाहिए? 2 लाख, दोनों का एक एक। मंजूर है। जगह का नाम? वही जंगल वाली कॉटेज जहां राजेश्वर अपना माल छुपाया करता था। ये लो तुम्हारा पैसा। खून के धब्बे अपने जिस्म से हटा दो सुधा। मैं किसी लड़की के जिस्म पर खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं हर खूनी का खून कर दूं, ताकि कोई किसी की मजबूरी किसी के प्यार का खून ना कर सके।
जिस तरह मेरे प्यार का खून हुआ है, मेरी गीता का खून हुआ है। गीता? कौन गीता? ये तो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना है, इतना खूबसूरत कि शायद उसे बनाने वाला बनाने के बाद देखता ही रह गया होगा। गीता की मौत ने मुझे शाम से राजेश्वर बना दिया, और तुम्हारे भाई ने शमा की इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे इंसान से हैवान बना दिया। कमल, जो मेरे लिए दुनिया में सब कुछ था, वह एक शख्स मेरे दुख दर्द को समझता था, मेरे दिल की हर जख्म की मरहम था। अगर वो एक बार भी कह देता कि शाम मुझे तेरा सर चाहिए, अगर तेरा सर मैं कानून के कदमों में डाल दूंगा तो मेरा सर जमाने भर भी ऊंचा हो जाएगा। गीता की कसम, सुधा, मैं अपना सर उसके कदमों में डाल देता। छोड़ो, शायद मेरी ही तकदीर बदनसीबी की स्याही से लिखी गई है। तो मुझसे मेरा प्यार छिन गया, मेरा दोस्त मुझसे छिन गया, कमल से बदला लेने के लिए मैंने आज तक जो भी बर्ताव तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। मुझे माफ कर दो सुधा, मुझे माफ कर दो और अपने भाई के पास लौट जाओ। वाह 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 वाह, मुझे शिकार सिखाने वाला शिकारी आज खुद ही घायल पड़ा है। राजेश्वर, तुमसे और इस लौंडिया के भाई से पुराना हिसाब किताब चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। Thank you.
आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और इसे कैसे लूटा जाता है। मेरे सामने से हट जा सुधा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया नहीं, ये क्या किया तुमने? जिस आदमी ने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई, उसे बेआबरू होने से बचाया, उसकी भलाई का बदला तुमने ये दिया। क्या? हाँ भैया हाँ, इसने मेरी इज्जत बचाई। ये इंसान नहीं देवता है भैया, देवता। वो चिराग है जो जलता ही रहेगा, बुझाना चाहे जमाना बुझा न सकेगा।